एवरीवन, आज हम लोग बात करते हैं सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस के बारे में और वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्बियन फोर्स। इन दो टॉपिक्स के बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। पहला टॉपिक होगा हमारे पास कूलम्ब फोर्स को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे, उसके बाद सुपरपोजिशन की बात करेंगे, उसके बाद एक दो क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब फोर्स इन वेक्टर फॉर्म, इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म में देखने के लिए क्या करेंगे। पहले सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि ये जो वेक्टर है ना, तो वेक्टर क्या होता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वेक्टर, जैसे मान लो कि ये हमारे पास एक वेक्टर है ए और ये एक वेक्टर है बी। अगर मुझे बात करनी हो ए प्लस बी कितना होगा, तो ए प्लस बी करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ए को जैसे है वैसे लिख देंगे, ये रहा ए। ठीक, उसके बाद उसमें जो बी है उसको जस्ट इसके हेड पे इसके टेल को अटैच करा देंगे और ये हो जाएगा हमारे पास बी। ठीक है, और इसके टेल को इसके हेड से मिला देंगे तो ये आपको मिल जाएगा यहां से ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है इसे वेक्टर फॉर्म। यानी कि अगर इसको मैं एक रिजल्टेंट नाम दे दूं आर, तो इसको मैं लिखूंगा वेक्टर आर इज इक्वल टू ए प्लस बी। ठीक है, अगर मैं वेक्टर ए की बात करूं तो ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर बी। ये ऐसे हमारे पैटर्न हो जाएंगे। वेक्टर बी को मैं लिखना चाहूं तो ये हो जाएगा वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, ये हो जाएगा। उसके बाद ये हमारा ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ये वेक्टर्स को ऐसे लिखने के लिए। तो वेक्टर फॉर्म में लिखने से पहले हम लोग एक चीज समझ लेते हैं, वो ये है कि अगर यहां पे एक कोऑर्डिनेट हो, कोऑर्डिनेट में यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट वन पॉइंट टू, यहाँ पे चार्ज है क्यू वन, यहाँ पे चार्ज है क्यू टू। जब दोनों चार्ज क्यू वन क्यू टू है, अगर इन दोनों को मैं पॉजिटिव ले लूं तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज को इधर की तरफ रिपल करेगा। ठीक, तो ये वन है ये टू है, अगर वन पे टू की वजह से फोर्स लगेगा तो इसको लिखूंगा मैं फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, और ये वेक्टर लगा दूंगा कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब यहां आते हैं, ये फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, इसको लिखूंगा मैं एफ टू वन, जैसे वेक्टर फॉर्म में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब बात करते हैं कि इनके बीच में कितना फोर्स लगेगा। तो हम लोग जनरली देखते हैं कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल है, चार्ज वन चार्ज टू, ये चार्ज क्यू वन ये चार्ज क्यू टू, इनके बीच का डिस्टेंस आर, तो यहां पे जो फोर्स लगेगा वो हो जाएगा एफ इक्वल टू, लिखते हम लोग वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये हमारा बेसिक का फॉर्मूला हो जाता है। क्यों इसका फॉर्मूला है, केवल मैग्नीट्यूड की बात करते हैं, डायरेक्शन इसमें हम लोग आर कैप लगा देंगे। अब जिस भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगेगा उसके बारे में बात करने वाले हम लोग। तो यहाँ पे आर क्या, इनके बीच का डिस्टेंस है। उससे भी पहले मैं एक बात बताता हूँ कि ये जो पॉइंट टू है, मैं ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मान लेता हूं कि इसका जो पोजीशन है वो कितना है, आर टू है, और ये पोजीशन भी क्या है, एक वेक्टर है। पोजीशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पे ये वन है, तो वन का भी पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, ये आर वन हो जाएगा। ठीक, अब इनके बीच का अगर डिस्टेंस मुझे लेना होगा तो कितना हो जाएगा, वन से टू की तरफ या टू से वन की तरफ, तो ये मैं इसके बीच का डिस्टेंस लेता हूं टू से वन की तरफ, टू से वन की तरफ अगर मैं लूंगा तो यहां पर हो जाएगा आर टू वन। ठीक, और ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा हमारे यहाँ पे। उसके बाद अगर मैं वन से टू की तरफ लू, वन से टू की तरफ लू, तो भी ये क्या हो जाएगा हमारे पास, एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा, इसको मैं लिखूंगा वन से टू की तरफ। फिलहाल मैं भी बात करने वाला हूं कि ये जो वन है इस पे टू की वजह से कितना फोर्स लगेगा, तो उसको मैं लिखूंगा एफ, यहां पे मैं लिखने वाला हूं एफ ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, इट विल बी वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर। ये इनके बीच का डिस्टेंस हो गया आर। अब यहां पे जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किधर, टू से वन की तरफ। डायरेक्शन किधर है, फोर्स वन वाले टू से लग रहा है ना, तो डायरेक्शन टू से वन की तरफ डायरेक्शन हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे आर टू वन, ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा। तो आर टू वन की वैल्यू क्या आएगी भाई, आर टू वन की वैल्यू अगर भी थोड़ी देर पहले जैसे हम लोगों ने देखा, अगर उस हिसाब से मैं देखूं तो ये हमारे पास वेक्टर आर वन आर टू है, ये आर वन है। ठीक है, और टू से वन की तरफ जाके तो डायग्राम मैं ऐसे दिखाऊंगा, तो इसको जरा मैं अगर ऐसे यहाँ पे बनाऊं, ये कुछ ऐसे दिख रहा है,
फिर ये ऐसे है, फिर ये ऐसे है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास आर टू, ठीक, वेक्टर क्वांटिटी। ये हो जाएगा आर टू वन, वेक्टर क्वांटिटी। ये जो भी होगा हमारे पास, ये आर वन है, तो ये देखने साफ साफ लग रहा है कि ये जो जो इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी आर टू प्लस आर टू वन इज इक्वल टू आर वन, या फिर ये हो जाएगा। तो अगर आर टू वन की वैल्यू चाहिए मुझे तो ये हो जाएगा आर टू वन, ये हो जाएगा वेक्टर आर वन माइनस वेक्टर आर टू, ये हो जाएगा हमारे पास आर टू वन की वैल्यू, ठीक है। अगर इसका मॉड निकालना होगा तो इसको हम लोग मॉड में कर लेंगे, मॉड ऑफ आर टू वन इट विल बी इक्वल टू आर वन माइनस आर टू, इसके मॉड कर लेंगे तो इसकी मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ जाएगी, क्लियर है। तो ये हमारा क्या हो गया आर टू वन, हमारे पास इसका डायरेक्शन हो गया, डायरेक्शन को हम लोग कैप से दिखाते हैं, ओके। अब यहां बात करते हैं कि एफ वन टू इक्वल टू वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर क्या इनके बीच का डिस्टेंस है, और आर आर टू वन कैप जो क्या है डायरेक्शन है कि जो ये फोर्स हमने निकाला है वन टू, इसकी डायरेक्शन किधर है, टू से वन की तरफ है, इसकी वैल्यू हमने निकाली टू से वन की तरफ, तो टू से वन लिख दिया मैंने। ये टू वन की वैल्यू क्या है, ये आर टू वन की वैल्यू अगर मैं देखूं तो क्या आ रहा है हमारे पास, आर टू वन की वैल्यू आ जा रही है आर वन माइनस आर टू आ जा रहा है, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं अभी, उससे पहले चीज और जानते हैं कि जब भी किसी वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करना होता है तो वेक्टर क्वांटिटी किसा किसा कॉम्बिनेशन होता है, मैग्नीट्यूड और प्लस इसमें क्या होता है डायरेक्शन भी होता है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, मैग्नीट्यूड और ये उसका डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये डायरेक्शन इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, ठीक है। यहां पे जो ए कैप दिख रहा है ये डायरेक्शन है, ए कैप क्या है हमारा डायरेक्शन है, ये क्या है मैग्नीट्यूड है, और ये क्या हमारा ए वेक्टर है। तो हमें पता है कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, डायरेक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी वेक्टर में आके इसका मैग्नीट्यूड डिवाइड कर देगा तो डायरेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी। वैसे ही हमारे पास डायरेक्शन है, तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, आर टू वन को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड है, ये डायरेक्शन है, तो क्या लिखेंगे वेक्टर आर टू वन वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा आर टू वन वेक्टर फॉर्म में। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी, मैंने बस ये बताया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मैंने दोनों लिख दिया, और डायरेक्शन इक्वल टू क्या हो जाएगा वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड लिख दिया मैंने यहाँ पे, उसी को मैंने यहाँ पे लाया, ये भी डायरेक्शन है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड होगा इसका आर टू वन वेक्टर, और डायरेक्शन कितना होगा आर टू वन कैप, और वेक्टर क्या हो जाएगा आर टू वन। अब यहाँ पे जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन इक्वल टू क्या होता है वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड लिख दिया। अब ये वैल्यू उठा करके मैं यहां रखने वाला हूं, चलो ठीक है, यहां जाते हैं, ये वैल्यू मैं अभी लिखने वाला हूं यहां पे, ये हो जाएगा हमारे पास एफ वन टू इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये हो जाएगा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, और ये इसी में डायरेक्शन हो जाएगा हमारा इसमें आर टू वन वेक्टर अपॉन आर टू वन मैग्नीट्यूड, ये हो गया हमारे पास ये वैल्यू। बेसिकली आर टू वन की जो मैग्नीट्यूड की बात करूं तो आर टू वन का जो मैग्नीट्यूड है बच्चे ये किसके इक्वल है, ये आर के इक्वल है, जो हमने पहले आर लिखा था, इनके बीच का जो डिस्टेंस हमने आर लिया था उसी के इक्वल ये आर टू वन है तो इसको मैं लिखूंगा एफ वन टू फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ये वेक्टर है तो वेक्टर को मैं ऐसे लिख देता हूँ आर टू वन अपॉन, ये भी ये मैग्नीट्यूड है आर के इक्वल है, तो ये केवल नीचे क्या आ जाएगा आर आ जाएगा। अब इस आर को क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू इट इज इक्वल टू वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू, आर और आर मिलकर के तीन हो जाएंगे आर क्यूब हो जाएंगे, और ये हो जाएगा आर टू वन, ये वेक्टर लग जाएगा इसके ऊपर, ठीक है। तो ये रहा कोलंबियन फोर्स वेक्टर फॉर्म में, मैंने किया क्या, एक बार छोटा सा रिवीजन देता हूं मैं। मैंने बताया कि अगर दो चार्ज पार्टिकल हैं इनके बीच का डिस्टेंस आर है, चार्जेस क्यू वन क्यू टू है, तो यहाँ पे फोर्स लगेगा एफ वन अपॉन फोर पे एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, आर कैप क्या है इसका बीच का डायरेक्शन है, अब फोर्स किस पे किधर लग रहा है ये हम लोग जस्टिफाई करने वाले हैं। फिर मैंने ये फोर्स मैंने हम लोग वैक्यूम के लिए लिखा हुआ है क्योंकि इसलिए एप्सिलॉन नॉट है। यहाँ पे मैंने एक कार्टेशियन प्लेन बना लिया, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया
दो पॉइंट्स ले लिए, आर वन पोजिशन पे चार्ज है, आर टू पोजिशन पे दूसरा चार्ज है, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो आर है, आर टू वन मैंने लिखा है वो डायरेक्शन दिखाने के लिए। यहाँ पे इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, आर है, तो इनके बीच का फोर्स कितना लगेगा, Q1 Q2 है, r डिस्टेंस है, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय r स्क्वायर लिख दिया। ये r21 कैप क्या है, डायरेक्शन है, r21 क्यों लिखा है, क्योंकि 1 पे फोर्स निकाला मैंने, फोर्स ऑन 1 बिकॉज ऑफ 2, तो 2 से 1 की तरफ डायरेक्शन लिया है, तो इसे मैंने 21 लिख दिया है। फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि कैसे वेक्टर मैग्नीट्यूड और जो है आपका डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन होता है, तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कॉम्बिनेशन कैसे मैंने लिखा, फिर डायरेक्शन इक्वल टू क्या लिखा, वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड कर दिया, तो वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड किया, फिर यहाँ पे वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड कर दिया, और वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड करते ही हमारी वैल्यू कैसे हो गई, ये अपने आप रिप्रेजेंट हो गई, आर टू वन की वैल्यू जो मैग्नीट्यूड है वो आर के इक्वल है, इसलिए मैंने आर लिखा और आर मिलकर क्या क्यूब हो गया, ये हमारा वेक्टर फॉर्म हो गया। अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, थोड़ा सा और इसको बेहतर तरीके से लिखते हैं, यहाँ पे इसको मैं और तरीके से लिखूं, इस तरह की वैल्यू में इसको कन्वर्ट करके लिखना चाहूँ, तो ये हो जाएगा फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर क्यूब। यहाँ पे जो वेक्टर होगा वो वेक्टर क्या हो जाएगा भाई मेरे पास, यहाँ पे वेक्टर हमारे पास ये हो जाएगा, हमने क्या लिखा था, आर टू वन लिखा था, तो आर टू वन की वैल्यू कितनी दिख रही है, आर वन माइनस आर टू, आर वन माइनस आर टू, ये हमारे पास वेक्टर हो जाएगा, ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और नीचे आर क्यूब को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इसको लिख सकते हैं मॉड ऑफ आर वन माइनस आर टू का क्यू, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी, इसका आर वन माइनस आर टू का मतलब ही है आर, ठीक है, ओके, तो ये हमारे पास वेक्टर फॉर्म हो गया। अगर इसी को मुझे लिखना होगी फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, तो ये कितना हो जाएगा, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, आर क्यूब हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, तो ये आर वन माइनस आर टू वो क्या हो जाएगा, आर टू माइनस आर वन वेक्टर लग जाएगा, और ये जो क्या हो जाएगा आर टू माइनस आर वन, ये वेक्टर हो गया इसका, ये वेक्टर फॉर्म में हो गया एफ टू वन के लिए, और ये एफ वन टू के लिए हो गया, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू, ये फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, इतनी बात क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब बात कर लेते हैं सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज की बात करते हैं। अब सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज क्या कहता है, ये बहुत ही बेसिक है, सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज बस इतना ही बात कहता है कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, कोई दो चार्ज पार्टिकल हैं, ये Q1 है, ये Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस R है, तो इनके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा F इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, और इसका एक वेक्टर डायरेक्शन हो जाएगा यहाँ पे, ये बस इतना ही फोर्स लगता है, सुपरपोजिशन ऑफ फोर्स ये कहता है। सुपरपोजिशन फोर्स ये कहता है साथ में कि अगर इनके बीच में जो ये फोर्स लग रहा है, अगर ये फोर्स यहाँ पे अगर मैं देखूं, यहाँ पे मैं तीसरा चार्ज रख दूं Q3, तो Q3 भी क्या करेगा, Q2 पे फोर्स लगाएगा, इस Q2 पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, वो Q1 की वजह से लग रहा है, और वो रिपल कर रहा है इसको इधर की तरफ, ये हो जाएगा F on 2 because of 1। अब यहाँ पे Q3 है, तो Q3 भी इस पे एक फोर्स लगाएगा, तो वो फोर्स लगाएगा इसको मिलाने में, लाइन के अलावा, क्योंकि ये सेंट्रल फोर्स है, तो लाइन जो मिलती है उसी के अलावा ये फोर्स अट्रैक्ट और रिपल करते हैं, तो ये फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ थ्री हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी लगा देते हैं इसमें। तो ये कहता है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्स है कि जो फोर्स इसके अब्सेंस में इन दोनों के बीच में लग रहा था वो अब भी उतना ही लगेगा, अगर ये आ जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इट मीन्स टू से इफ द फोर्स बिटवीन दिस टू चार्जेज इज दिस मच, इट विल नॉट चेंज इफ देयर इज अनदर थर्ड चार्जेज प्रेजेंट हियर, व्हाट विल बी, इट विल बी द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज पार्टिकल Q2 बिकॉज ऑफ Q1 एंड Q3, इट विल बी इक्वल टू वेक्टर सम, बट द फोर्सेज बिटवीन दिस टू चार्जेज एंड दिस टू चार्जेज विल नॉट बी अफेक्टेड, मीन्स टू से एनी अदर चार्ज विल नॉट अफेक्ट द फोर्स बिटवीन एनी टू चार्जेज इफ दैट चार्ज इज प्रेजेंट देयर और अब्सेंट देयर, ये कहने का मतलब है, यही है सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज। अब यहाँ पे एक तो इसको कार्टेशियन प्लेन के फॉर्म में इसको बना के देखते हैं, ये हमारा कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, ये पॉइंट वन है, ये चार्ज यहाँ पे Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है,
यहाँ पे चार्ज Q4 है, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज फोर्स, चार्ज हमारे चार्जेज है। अब इसका पोजिशन अगर मैं लिखूंगा तो क्या लिखूंगा मैं, R1 वेक्टर, ठीक। इसके लिए क्या लिखूंगा मैं, R2। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, R3। इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, R4। ये सब वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो सबके मैंने वेक्टर क्वांटिटी लिख दिए, Q1, Q2, Q3, Q4 भी लिख दिया। अब मैं चाहता हूं ना कि इस Q2 पे फोर्स कितना होगा निकालना है मुझे। तो अकॉर्डिंग टू द सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेज, द वेक्टर सम ऑफ ऑल दीज फोर्सेज बिटवीन Q1 एंड Q2, Q4 एंड Q2, Q3 एंड Q2, इट विल बी इक्वल टू देम। तो ये इनके इक्वल होगा, लेकिन इनके बीच का जो फोर्स है वो ये दोनों के फोर्स, इन दोनों के बीच के फोर्स को अफेक्ट नहीं करने वाले हैं। दिस इज द मीनिंग ऑफ द सुपरपोजिशन ऑफ द फोर्सेज। सुपरपोजिशन मींस टू से द फोर्सेज बिटवीन दिस टू चार्ज पार्टिकल विल नॉट बी अफेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस टू चार्जेस। द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q2 विल बी इक्वल टू द वेक्टर सम ऑफ दिस Q1 एंड Q2, Q4 एंड Q2 एंड Q3 एंड Q2। दिस विल बी द वेक्टर सम एक्टिंग ऑन दिस चार्ज Q2। कैलकुलेट करके देखते हैं, Q1 और Q2 के बीच का जो फोर्स होगा वो कितना हो जाएगा, ये मैं लिखूंगा यहाँ पे। ये इसको रिपल कर रहा है, अगर मैं इसको पॉजिटिव फोर्स के तौर पे ट्रीट करूं तो इसको इधर रिपल करने वाला है। तो जब ये इधर इसको रिपल करेगा तो इसके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, 1 से 2 की तरफ। तो ये हो जाएगा R12, ये हो जाएगा हमारे पास फोर्स। तो फोर्स में लिखूंगा फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ वन, इट विल बी इक्वल टू 1/4πε0। ये हो जाएगा Q1 Q2 upon R12, ठीक है। और R12 अगर मैं इसको मैग्नीट्यूड ले लूं, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जा रहा था, अभी Q बन जा रहा था, और डायरेक्शन क्या हो जाएगा, R12 वेक्टर हो जाएगा। ये पहला हो गया फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ फोर, इट विल बी 1/4πε0 Q2 Q4 upon, नीचे हो जाएगा R4 से 2 की तरफ, ये डायरेक्शन लग गया, मैग्नीट्यूड लग गया, क्यूब हो गया, और इसका वेक्टर R4 2 का वेक्टर, फोर्स ऑन टू बिकॉज ऑफ थ्री, ये इस डायरेक्शन मिलेगा उसको। तो ये 2 3, ये हो गया ऐसे, ये हो गया 1/4πε0 Q2 एंड Q3 अपॉन, डायरेक्शन क्या होगा, 3 से 2 की तरफ होगा। तो R3 2, ये वेक्टर लग गया, ये क्यूब हो जाएगा, वेक्टर फॉर्म में फोर्स है। तो R3 2 का ये वेक्टर डायग्राम, वेक्टर डायरेक्शन लग गया। अब जो टोटल फोर्स हो जाएगा कितना हो जाएगा, F रिजल्टेंट, ये हो जाएगा F21 प्लस F24 प्लस F23, ये इनके वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू हम लोग चाहे तो इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज। ये हमारा सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेज था। इन कोई भी चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर जितना भी फोर्स लग रहा है उसका वेक्टर सम कर लेते हैं, लेकिन किसी भी दो इंडिविजुअल चार्ज के बीच का जो फोर्स होता है वो अफेक्ट नहीं करता किसी थर्ड चार्ज के प्रेजेंट की वजह से। बस इसका यही मीनिंग है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर कोई इक्वेशन की बात करूं तो इक्वेशन यहां करके देख लेते हैं। यहां पे एक स्क्वायर है, ठीक है। यहां पे चार्ज Q1 है, यहां पे चार्ज Q2 है, यहां पे चार्ज Q3 है, यहां पे चार्ज Q4 है। इसके साइड का जो डिस्टेंस है उसको मैं A लिख रहा हूं, ये हो जाएगा हमारे पास A। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि चलो भाई आप मुझे बता दो R43 का डिस्टेंस कितना होगा, R43, क्योंकि ये भी अगर इस तरह से देखा जाए किसी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में तो इनका पोजीशन देखा जाए तो कितना होगा। ये जो Q4 की पोजीशन है उसको मैं लिखूंगा A4, 3 का पोजीशन है वो लिखूंगा मैं A3। तो अगर 4 से 3 जाना तो A4 माइनस A3 कितना हो जाएगा, एक इक्वल आएगा, जिसको A43 हम लोग कह रहे थे। यहाँ पे A4 है, इसका पोजीशन मैं A1 लिख लूंगा ऐसे करके, ये एक पोजीशन हो जाएगी, ये एक पोजीशन हो जाएगी। तो यहां से यहां जाना है मुझे तो ये दोनों वेक्टर का डायरेक्शन दिखाऊंगा और उसमें से माइनस करूंगा तो ये इक्वल टू ए आएगा हर केस में, इसीलिए मैं इसको इग्नोर कर दे रहा हूं। और यहां पे हम लोग बस इसको ऐसा समझ लेंगे, R A43 इक्वल टू A, R41 इक्वल टू A, R12 इक्वल टू A, R23 इक्वल टू A, क्योंकि ये स्क्वायर के शेप में मैंने लिया हुआ है और सारे डिस्टेंसेज जो है वो क्या है हमारे A के, मतलब A के इक्वल है, ठीक है।
तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि Q1 पे फोर्स कितना लगेगा तो आप बताओ, तो कितना बताओगे? Q2 की वजह से जो फोर्स लगेगा, अगर सब पॉजिटिव चार्ज है तो नीचे की तरफ होगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। ये फोर की वजह से वन पे कितना लगेगा, तो फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ फोर। यहाँ पे थ्री की वजह से कितना फोर्स लगेगा, ये इधर की तरफ लगेगा, फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ फोर। ये हमारे पास तीन फोर्सेज हो जाएंगे। फिर जब तीनों फोर्सेज आ जाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसका वेक्टर सम कर लेंगे, और इस तरह से इसका जो सोल्यूशन आ जाएगा, एफ रिजल्टेंट इक्वल टू हो जाएगा, ये हो जाएगा F12 प्लस F14, फिर ये थ्री है, ये थ्री हो जाएगा यहाँ पे, फिर प्लस F34 प्लस F34, ये इन तीनों के वेक्टर सम के इक्वल हो जाएगा यहाँ पे। इस तरह से इसके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, जहां से सुपर पोजिशन का इस्तेमाल होगा और इसके बेसिक फॉर्मूले का इस्तेमाल होगा। आई होप कि मेरा जो एफर्ट था छोटा सा कि कोलंबियन फोर्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना और सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज को समझाया, और सुपर पोजिशन ऑफ फोर्सेज के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करके हम लोग ढेर सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उससे भी बेस्ट सारे न्यूमेरिकल्स होंगे। उनको वेक्टर फॉर्म को ध्यान में रखना होगा, उसके कंपोनेंट्स लेना होगा, उसको हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।